So we had started with polygenic inheritance last time, yesterday. ठीक है जी. तो polygenic inheritance, it is you know different from monogenic inheritance of Mendel. Mendel ने जो propose की थी वो थी monogenic inheritance. उसके बाद आई polygenic inheritance. It was observed by Kollreuther. In tobacco. Skin color in humans. Studied by Nelson Ehle. It is also observed in height of humans, then kernel color in wheat, और भी बहुत सारे हैं but etc. So we are studying skin color in humans. It is controlled by, we are regulated by three genes, कल भी मैंने बताया था, and six alleles. Each dominant allele synthesize equal amount of melanin irrespective of the gene to which it belongs. हमने कहा है A, B and C genes है. ये नहीं कि कौन सी एलील, A की एलील और डोमिनेंट है तो वो बहुत ज्यादा मेलेनिन बनाएगी, B की एलील डोमिनेंट है तो वो थोड़ा सा कम बनाएगी, C की एलील डोमिनेंट है तो वो बहुत कम, नहीं ऐसा नहीं. कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C equal amount of melanin बना रहे हैं. Is it right? तो हमने क्या किया, A A B B C C इसको क्रॉस किया. This is triahybrid cross because it results in formation of triahybrid. This is negro, this is albino. And this is mulatto, right? This is negro. जब छह की छह एलील डोमिनेंट है बहुत ज्यादा मेलेनिन होगा इसमें, ठीक है? Then ma'am, you want to ask something? मैम जो कर्नल कलर है वो साइंटिस्ट का नाम है? नहीं नहीं बेटा, कर्नल कलर मीन जो उसके ग्रेन्स का कलर होता है, दैट इज कर्नल कलर. ओके, then A A B B किसके ग्रेन्स का, वीट के ग्रेन्स का. दिस इज एल्बिनो एंड दिस इज मुलेटो. देन इफ इट रिजल्ट्स इन यू नो, इस ये थी एफ वन, इसकी सेल्फिंग तो आएगी F2 ratio. देखो अब F2, मेरा मतलब F2 में हम क्या करेंगे, लेट अस से इसको ना करके
ये बनेगा। अब पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा गिनने में करने में। कैसे हम एफ टू रेशो कैसे निकाले, तो चलो याद कर सकते हैं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। बट वैसे हम देखो, अगर ये क्रॉस है तो हमें कौन कौन से जीनोटाइप्स मिलेंगे, हम ये देखते हैं। हमें मिलेंगे ये वाला जीनोटाइप, बहुत सारे जीनोटाइप्स मिलेंगे ना, करके देखो पहले बनाओ जरा, कौन कौन से जीनोटाइप्स मिलेंगे। राइट इस तरह से और कौन कौन से मिल सकते हैं। ये मिल सकते हैं और बताओ। ये मिल सकता है और देखो और जीनोटाइप्स कौन कौन से मिल रहे हैं। और देखिए ठीक है, इस तरह से जीनोटाइप करके हर जीनोटाइप की आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये क्यों करना चाहा है ताकि आपको पता चले, दोबारा से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। जल्दी से ये बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हाँ जी कौन बता रहा है, अर्शप्रीत कैसे निकालोगे। जब हम सेल्फिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला मैम, वन बाय टू या टू बाय फोर। नहीं बेटे हाँ, वन बाय फोर या टू बाय फोर। तो यहाँ पे वन बाय फोर, वन बाय फोर, वन बाय फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर जा सिक्सटी फोर, वन बाय सिक्सटी फोर। भूल जाते हो जल्दी से। अर्णव इसकी बताओ भव्य इसकी, अर्णव इसकी भव्य इसकी, ये कैपिटल सी है। अर्णव मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। यस यहाँ पे बेटे देखो ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, ये भी वन बाई फोर है, ये टू बाय फोर है। ठीक है, सो इट इज टू बाय सिक्सटी फोर। ये जो है दिस इज ऑल्सो टू बाय सिक्सटी फोर। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताना था। अब रेशियो लिख लो इन डायहाइड्रेट रेशियो ऑफ, इन मत लिखो, डायहाइड्रेट एफ टू रेशियो ऑफ
स्किन कलर, स्किन कलर इन ह्यूमन? मैम रिपीट करना. ट्रायाहाइब्रिड नहीं है, एफ टू ट्रायाहाइब्रिड रेशियो ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमंस इज 1:6:15. इसकी रेशियो आ जाती है 1:6:15:20:15:6:1. This is F2 triahybrid ratio of polygenes. जब तीन जीन्स कंट्रोल कर रही है तो F2 रेशियो ये है. ये कौन सी रेशियो है बेटा? फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक F2 रेशियो ऑफ ट्रायाहाइब्रिड इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ये है. फिनोटाइप है, जीनोटाइप नहीं है, फिनोटाइप है. दिस वन ये है नीग्रो, ये डार्क ब्लैक, दिस इज ब्लैक, दिस इज मुलेटो, दिस इज ब्राउन, लाइट ब्राउन, लाइट एल आई जी एच डी एंड दिस इज एल बी ए. दिस इज एल बी ए. ठीक है, तो पहले ये सब लिखो तो फिर हम आगे करते हैं. Make one correction that this is not Nelson Hennet, this is Devonport. Devonport. Kernel color in wheat. ये जो है it is studied by Nelson Hennet. लिख लेना. Kernel color in wheat studied by Nelson Hennet. Skin color in human studied by Devonport. ये थोड़ा सा उल्टा हो गया. बनाना आपने खुद है. आई विल टेल यू गैमीट्स ओनली. कौन कौन से गैमीट्स बनेंगे? एट गैमीट्स बनने एट ये फीमेल गैमीट्स बन गए और यही वाले जो है आठ मेल गैमीट्स. यही जो फीमेल गैमीट्स है वही बनेंगे. पूरा पेट छोड़ना, बड़ा सा पुनेट स्फीयर बनाना. इज इट ओके? ठीक है, मयंक ये लिख लिया सारा? हर्षप्रीत, शिवांशी? यस मैम. यस मैम. तो ये आपने पुनेट स्फीयर खुद बनाना. अब एक टेबल अगर हम बनाएंगे, नंबर ऑफ पॉलीजीन्स और यहां पे F2 रेशियो, ज्यादा बड़ा टेबल तो नहीं है, दो का ही हमने बताना है. अगर टू पॉलीजीन्स है
ये वाली है ए एंड बी. इफ अ करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स देन एफ टू रेशियो इज 1:4:6:4:1. नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने फिनोटाइप्स? इस फिनोटाइप का एक ऑफस्प्रिंग, इस फिनोटाइप का चार ऑफस्प्रिंग, इस फिनोटाइप के छह ऑफस्प्रिंग, इसके चार, इसके तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव फिनोटाइप्स बनेंगे. दूसरा, अगर थ्री पॉलीजीन्स रेशियो इज 1:2, क्या लिखी थी हमने, 1:6:15:20:15:6:1. सो हाउ मेनी जीनोटाइप्स, सॉरी हाउ मेनी फिनोटाइप्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो इट इज 7 फिनोटाइप. तो फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन एफ टू रेशियो ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज इक्वल टू 2n+1. Where n is number of genes controlling a character. आपने पूरा लिखना है controlling a character, मेरी तरह नहीं लिख लेना है. So if you can say 2n = 2, number of phenotypes x is equal to 2 × 2+1, 5. तो मैंने बता दिया आपको 5 जो है वो फिनोटाइप्स है. सेकंड है n = 3, नंबर ऑफ एक्स मतलब नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इज इक्वल टू 2 × 3+1 = 7. ये हमने बता दिया कि दिस इज द फॉर्मूला. इज इट ओके? ठीक है जी, लिखो ये देखिए जी. देन ग्राफ, या हम कहेंगे एफ टू रेशियो ऑफ पॉलीजीन्स गिव पैराबोलिक ग्राफ. कैसे? अगर हम ये करें, ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये है डिफरेंट फिनोटाइप्स, दिस इज अगर हम ड्रॉ करें 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 और ये 20. तो इसका 1 है ना, इसका कितने थे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. देन 15, देन 20, क्या रेशियो थी 1:6 है, फिर 6 और फिर
तो यहां से शुरू हो रहा है ठीक है, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा आ रहा है, बट कैसा ग्राफ आता है, इट गिव्स दिस टाइप ऑफ ग्राफ। मैंने आपको थोड़ा सा प्लॉट करके बता दिया, बट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इट गिव्स पैराबोलिक ग्राफ बिकॉज इट शोज डिफरेंट टाइप ऑफ फीनोटाइप। बना लो ये जल्दी से। मैम आपने वाई एक्सिस पर क्या लिखा है? वाई एक्सिस पे है बेटे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये है डिफरेंट फीनोटाइप्स। एक्स एक्सिस पे है नंबर डिफरेंट फीनोटाइप्स, वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये आ जाएंगे, ये वाला जो है दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव, ये वाला जो है होमोजाइगस डोमिनेंट, और यहां से लेकर यहां तक ये सारे क्या है, दीज आर इंटरमीडिएट, जो बीच में बने दीज आर इंटरमीडिएट। Differences in monogenic inheritance and polygenic inheritance. Monogenic inheritance and polygenic inheritance. Monogenic inheritance में लिखो, it is controlled by one gene. It is controlled by one gene. And only the dominant allele, only the dominant allele, whether in homozygous form or heterozygous form, expresses the complete trait. इसका क्या मतलब है? For example, in pea plant, then expresses क्या ये क्या है? Expresses the same trait, trait. In pea plant, plants with capital T or capital T have same height. Polygenic inheritance में लिख लो, it is controlled by more than one gene. It is controlled by more than one gene. And the phenotype depends on number of dominant alleles. Second, आ जाइए monogenic inheritance is also called as qualitative inheritance, whereas polygenic inheritance
inheritance is called as quantitative or cumulative inheritance. Quantitative or cumulative inheritance. Or cumulative. C-U-M-U-L-A-T-I-V-E. Cumulative inheritance. तुम दोबारा बोलना spelling. C-U cumulative बेटा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन मोनोजेनिक इनहेरिटेंस देयर आर नो इंटरमीडिएट्स इन एफ टू रेशियो जैसे हम कहते हैं कि अगर एफ टू रेशियो 1:2:1 है या 3:1 है, तीनों की पिक रेशियो है 3:1, तो 3 tall 1 dwarf, ठीक है, ऐसे ही ना, पेरेंटल टाइप है, नो इंटरमीडिएट, ठीक है. इन मोनोजेनिक इनहेरिटेंस नो इंटरमीडिएट्स आर फाउंड इन F2 ratio. और polygenic inheritance, the parental types are very few. Parental type एक एक है. Parental types are few and maximum are intermediates. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. ma'am repeat कर दो वो वाला last point. हाँ मैं यही बता रही हूँ आपको दोबारा से कि in monogenic inheritance there are no intermediates in F2 ratio. और polygenic inheritance में लिखो the parental types are minimum. Whereas maximum are intermediates. मैम तो फिर ये independently assorted genes है. बेटा है तो independent assortment ही होगी अगर होगी तो. Genes की तो independent assortment है. But उनका आगे phenotype फर्क हो जाता है. ठीक है जी. Okay मैम. So this is about polygene. Right? मतलब डिफरेंस इन मोनोजीन्स एंड पॉलीजीन्स. एक और पॉइंट लिख लीजिए. इन मोनोजेनिक इनहेरिटेंस एनवायरमेंट हैज लेस इफेक्ट. Whereas the polygenic inheritance is much influenced by environment also. Polygenic inheritance is much influenced by environment also. Environmental. And much influence of environment also. ठीक है. तो जैसे अगर हम कह दें कि एक इंडिविजुअल है जो मुलेटो है बट अफ्रीका में चला जाए तो बहुत ज्यादा मेलेनिन है, तो इन जीन्स को या वैसे इन जीन्स को कौन इफेक्ट कर रहा है? एनवायरमेंट भी इफेक्ट कर रहा है. इज इट ओके एवरीबडी? मैम आपने क्या एग्जाम्पल दी अफ्रीका वाली?
मैंने बताया कि भी अगर हम जो है हमारे एक नॉर्मल वाइट जो है, मतलब बहुत ज्यादा वाइट नहीं कि गोरा जिसको हम कहते हैं, वो अगर अफ्रीका में चला जाए तो क्या हो जाएगा? जीन्स तो नहीं अफ्रीका में जाके चेंज हो सकती? जल्दी से बताओ, क्या अफ्रीका में जाके जीन्स चेंज हो जाएंगे हमारे? नो मैम, नो मैम, तो चेंज नहीं होंगे, बट कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है, राइट? ठीक है जी। तो इस तरह से अगर हाइट हमारी जो है, हाइट भी बहुत सारी जीन्स कंट्रोल करती है। अगर जीनोटाइप तो है कि भी छोटी हाइट है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बट अगर एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, तो बोन्स लंबी हो जाती है कि नहीं? बचपन से, बाद में जाकर नहीं, मतलब 19-20 साल के हो गए, अब लटकना शुरू कर दो तो लंबे, ऐसे नहीं, ठीक है? छोटी एज से, 9-10 साल से अगर करना शुरू कर दोगे तो हाइट लंबी हो सकती है, राइट? सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, ठीक है? आपकी ब्रेन काम करेगा अगर न्यूट्रिशन अच्छी होगी, राइट? सो दिस इज अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इट कैन बी एनवायरमेंटल, इट कैन बी सेक्स क्रोमोसोमल, और इट कैन बी हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। पहले हम हैप्लोडिप्लॉइडी कर लें। फॉर एग्जाम्पल, हनीबीज कॉलोनी ऑफ हनीबीज हैव थ्री मेंबर्स, थ्री टाइप्स ऑफ मेंबर्स, तीन ही नहीं होते, होते तो बहुत सारे हैं, बट थ्री टाइप के हैं। कौन से तीन टाइप के हैं? वन क्वीन, मैनी वर्कर्स एंड मैनी ड्रोन्स। जो वन क्वीन है, इट इज फर्टाइल टू एन फीमेल, डिप्लॉयड फीमेल है, फर्टाइल है। वर्कर जो है स्टराइल टू एन फीमेल्स इन विच ओविपॉजिटर, जहां पे ओवा इकट्ठे होते हैं, ओविपॉजिटर इज मॉडिफाइड इनटू स्टिंग, जो डंक मारते हैं ये, तो ओवी पॉजिटिव, टू एन फर, ये है स्टराइल, तो दीज आर स्टराइल डिप्लॉयड फीमेल इन विच ओवी पॉजिटिव इज मॉडिफाइड इनटू स्टिंग। देन ड्रोन्स, दीज आर फर्टाइल हैप्लॉयड मेल, राइट? इसी के आगे मैं बता रही हूं, जो क्वीन है, क्वीन ले टू टाइप्स ऑफ एग्स,
फर्टिलाइज्ड एग्स एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स. फर्टिलाइज्ड एग्स फॉर्म फीमेल्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स develop into male. ठीक है, unfertilized eggs क्या होंगे? Haploid होंगे, ये diploid होंगे. Feed on royal jelly. अगर females royal jelly पे feed कर रही है, it will form queen. Generally one queen. If feed on pollens, then they form workers. ठीक है, तो याद ये रखना है कि यहां पे जो males है, males do not have fathers, क्योंकि ये किससे develop हुए है? Unfertilized eggs of mother से. But have grandfathers and grandsons. हम कह सकते हैं granddaughters भी हम कह सकते हैं. Granddaughters and grandsons. Grandsons means जिसके साथ फर्टिलाइज कर रहे हैं, उसके जो एग्स से जो मेल्स डेवलप हुए, तो वो उसके बेचारे के ग्रैंड सन्स होंगे, चाहे उसमें मैटरनल कैरेक्टर्स ही सारे हैं. बट कुछ तो, मतलब ये मैं थोड़ा सा आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कैसे ये, बट ये आप पहले लिख लो.